सबका स्वागत है। सुबह सुबह बनारस में सुबह हो चुका है, 5:30 बज गया है, पहाड़ अंधेरा है और धुंध वगैरह किए हुए हैं। और मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे। सोते हैं 12 बजे के लगभग में और उठ जाते हैं 5:30-5 के लगभग में, नींद टूट जाती है मेरी, ऐसा अलार्म लगा के सोते हैं। और ये देखिए, बहुत खांसी तो बहुत हद तक मेरी ठीक हुई है, सुबह उठते उठते खांसी हो जाती है। और ये मुझे गले को गर्म करने के लिए सर लगा कर रखना पड़ता है रात भर। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ बाहर, 5:30 बजे कितना अंधेरा हुआ है। और अभी मैं गोभी आलू का जो है ना भुजिया काटूंगी। ये देखिए गोभी लेके बैठे हुए हैं, तो गोभी आलू का भुजिया काटेंगे बाबू को स्कूल ले जाने के लिए नाश्ते में, टिफिन में। चलिए बातें कम करते हैं क्योंकि टाइम जो है ना फटाफट निकल जाता है, कितने भी सुबह में उठिए। बाद में बात करते हैं, तो जय बम भोले, राधे राधे सबको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बजे आए हैं, मैं उठ गई हूँ, पानी वगैरह भर दिया है। बाथरूम में पानी आता है, उसको भरना होता है बाल्टी में करके। और बच्चे और ये सबको भी सोए हुए हैं और मैं उठ गई हूँ। हम लोग को सबसे पहले जगना पड़ता है और सबसे लेट में सोना पड़ता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए हीटर चला लिया है और भुजिया काट रहे हैं, गोभी आलू का भुजिया। बाबू स्कूल लेके जाएगी, आटा निकाल दिए हैं। आटा कल बचा हुआ रहता है थोड़ा सा, तो निकाल दिया, उसी से रोटी बनाएंगे। और आलू गोभी का भुजिया जो है ना काट दिए। और सुबह सुबह क्या हालत हुई रहती है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। बाहर अभी अंधेरा ही है, अभी थोड़ी देर में जगाएंगे बच्चों को। स्कूल जो है उसके लेट हो गई है थोड़ी सी, 7:15 पे हो गया है, तो थोड़ा सा राहत है। और ये मेरा ये हीटर जो है ख़राब हो गया था, इसे मैंने बनवा दिया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है मेरे लिए। सुबह उठना पड़ता है तो सब काम धाम निपटाना रहता है। अभी बहुत सारे काम है, बर्तन वगैरह रात में धुल के सोती हूँ, तो बर्तन तो नहीं है। बस बाबू को उठाना है और इनको उठाना है। और चलिए मिलते हैं बाद में, भुजिया वगैरह सब बना लेंगे, उसके बाद में मिलेंगे। अभी के लिए राधे राधे सबको, ओम नमः शिवाय। ये देखिए फ्रेंड, आलू काट लिए हैं और गोभी काट लिए हैं। एक आलू और छील के रखे थे, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बाबू को ले जाना है, थोड़ा बहुत हम लोग नाश्ता करेंगे। चलिए मेरा गोभी आलू का भुजिया कट गया है, इसे ऑफ कर देते हैं। गोभी में मैं गरम पानी डाल देती हूँ, इतनी ठंडी है कि ठंडे ठंडे पानी से धुलने का मन नहीं करता है। डाल दिए गरम पानी। तो चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई चढ़ाते हैं। मैं लोहे की कढ़ाई चढ़ाऊंगी अभी, और तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलिए सरसों का तेल में खाना बनाते हैं हम, तो सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे। और ये गया तेल, और मैं पूरी रेसिपी शेयर करूँगी भुजिया में क्या शेयर करना। तो बस पचफोरन पे मैं भुजिया बनाती हूँ, इसे क्लीन कर दूँगी क्योंकि तेल फिर गिरने लगता है इसमें से। तो हमारा भुजिया जो है मैं जल्दी से तैयार कर दूँगी, बाबू को उठाना है, उसे भी तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। इधर हमारा भुजिया जो है देखिए तैयार हो गया, तैयार ही नहीं हुआ था। इस समय तक मैंने बाबू को स्कूल तक भेज दिया था और ये थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए गैस ऑफ करते हैं। और यहाँ जो है मशीन चल रही है, मतलब कपड़े धुल रहे हैं। और मतलब एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम शुरू हो जाता है। इस समय तक हमारा पूजा पाठ नाश्ता पानी सब हो गया था, उसके बाद मैं कपड़े धुल रही थी। और कपड़े धुल चुके हैं, स्पिन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और सारा कपड़ा फिर बाहर धूप अच्छी की हुई है उसमें डालेंगे, अभी धूप में डाल देंगे। बाबू स्कूल से आ भी गई है इस समय, और उसे मैंने नहा धो के बाहर बिठाया हुआ है।
बाहर बैठी हुई है, खेल रही होगी, और तब तक मैं कपड़े जो है सारे निकाल के अभी बाहर रख दूंगी, डाल दूंगी कपड़े सारे। और ये देखिए पानी कितना गंदा हो रखा है, तो चलिए फटाफट से कपड़े डालते हैं बाहर। तो ये देखिए बाबू स्कूल से आ गई है, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं हमने इसके, और बस बाहर धूप में है। और देखिए पतंग उड़ना भी शुरू हो गया है, अभी तो 14 जनवरी आना बाकी है और यहाँ पतंग उड़ना शुरू हो जाता है पहले से ही। देखिए बाबू कहाँ खड़ी है, मिट्टी रखी हुई गमले में रखने के लिए, अब समय नहीं मिल रहा है, और बस यही है मिट्टी में पानी डालेंगे थोड़ा सा। तो बाहर कपड़े वपड़े डालने के बाद अभी हो गया लंच का टाइम। तो खाने में मैंने बीन्स मटर और सोयाबीन आलू का सब्जी बनाया हुआ है, और साग जो है बना के मैं रख देती हूँ उबाल के, उसके बाद जब खाना हो तो तब तड़का लगा लेते हैं, जिसमें मैंने तेल में सरसों तेल में लहसुन बढ़िया से लहसुन ले लिए हैं, हरी मिर्च काट के डाल लिए, थोड़ा सा अदरक काट लिए हैं और प्याज काट लिए हैं। और देखिए पहले लहसुन डाले, फिर हरी मिर्च, फिर अदरक, और फिर अभी प्याज डाले हैं। उसमें नमक और हल्दी डाल देंगे, तो वही है नमक हल्दी डालने से ये जल्दी प्याज जो है गल जाता है। मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है, क्योंकि मैंने सूखी लाल मिर्च यूज़ नहीं की है, और अगर आप सूखी लाल मिर्च यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और आप चाहे तो इसे घी में भी तड़का लगा सकते हैं, या फिर घी और रिफाइंड मिला के। अभी मैंने टमाटर डाला है, प्याज अच्छे से भुन गया तब मैंने टमाटर डाला है। अभी टमाटर को भी बढ़िया से गलाएंगे, अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन गया, तो मैंने इसमें बटर डाल दिया थोड़ा सा, एक टुकड़ा। अभी और भी बटर जाएगा, चाहे तो आप डाल सकते हैं चाहे तो नहीं डाल सकते, मुझे अच्छा लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है बटर का स्वाद। ये देखिए साग मैंने बना कर रखा था पहले से ही, तो इसमें डाल देते हैं। जब खाना होता है तो तड़का लगा लेते हैं साग में, और ये थोड़ी सी मीठी मीठी सी लगती है साग, तो ये मक्के की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो आज तो मैंने मक्के की रोटी नहीं बनाई हुई है। अभी इसमें डालते हैं मकई का आटा 1 चम्मच, मक्के का आटा 1 चम्मच, और थोड़ा सा और डालूंगी मैं, तो इससे स्वाद जो है ना बहुत अच्छा आता है साग का। और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे बाद में। चलिए अच्छे से बना लेते हैं, और बस वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। गुड़ मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा डल गया गुड़, इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो जाता है फिर। चलिए अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे, सबको खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और बाय बाय एंड टेक केयर। अभी मैं आपको साग को ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाऊंगी कि कितना टेस्टी लगता है। कढ़ाई भी तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, भुन गया, लेकिन मैं इसे प्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये मैंने छोटा सा कुल्हड़ जैसा है वो, ये आइसक्रीम का है कुल्हड़ जो है आइसक्रीम वाला, इसमें मैंने निकाला है। और ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुंदर लग रहा है, और जितना देखने में ही अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मकई की रोटी के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए आप भी बना के देखिएगा। अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे सब। हो गया है दिन का, और बाबू सो गई है, देखिए सो रही है, स्कूल से आती है थक जाती है, खाना पीना खा ली है, और साग बहुत टेस्टी सा बना था, बहुत अच्छा लगता है साग, और ख़ासकर वो मक्के की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है साग जो है। तो चावल सब्जी, मतलब सब्जी चावल और साग मैंने खाना में बनाया था आज, दाल नहीं बनाई थी मैं, तो बाबू को सुलाने के लिए बगल में लेटना पड़ता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर, वीडियो को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसकेएन फैमिली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, राम राम और राधे राधे सबको, बाय बाय, टेक केयर,
और खुश रहिए, मस्त रहिए, और जिस भी परिस्थिति में हो खुश रहने की कोशिश करिए। अभी के लिए बाय बाय। बाल देखिए कैसे हो गया, क्योंकि मैं ऐसे सर करके लेटी हुई थी, बाबू सो रही है। चलिए ज़्यादा बोलूँगी तो ये उठ जाएगी और भै शुरू हो जाएगा इसका।